हेलो दोस्तों, तो मैं ये वीडियो काफी टाइम से बनाना चाहता था। लव जिहाद, ये टर्म आपने अक्सर सुना ही होगा। बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या ऐसा सच में है? क्या ये बीजेपी या राइट विंग द्वारा बनाया गया कोई शब्द है जो कि बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है किसी एक धर्म विशेष को बर्बाद करने के लिए या बदनाम करने के लिए? देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे चीजें पढ़ते हैं और उन्हें शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे, या फिर जो आपकी विचारधारा की तरफ झुका हुआ पोस्ट आपको लगता है आप उसे तुरंत शेयर कर देते हैं। बहुत जरूरी है कि आप स्वयं रिसर्च करें, चीजों को पढ़ें और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो मैं वैसे यूजुअली बाहर रहता हूं, पर मैं लॉकडाउन की वजह से, जैसे सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। और क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट किया जो घर में लोकल न्यूज़पेपर आते थे। और जितना ज्यादा आप लोकल न्यूज़ पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा आपको धरातल पे क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये जनवरी की बात है जब मैंने पहली न्यूज़ ऐसी देखी जिसमें एक ऐसा केस था जिसमें एक धर्म विशेष का व्यक्ति नाम बदलकर छद्म रूप से किसी लड़की को फंसाता है प्यार के चक्कर में, और उसके बाद बताता नहीं है कि उसका असली रूप क्या है, असली धर्म क्या है, और 5-6 साल बाद उसके साथ कुकर्म करता है। और उसके बाद लड़की को ज्ञात होता है, पता चलता है कि ये इसने अपनी सच्चाई छुपाई है। इनफैक्ट लड़की के माता पिता को तक ये पता नहीं होता है और वो रिश्ता तय करने के कगार पे पहुंच चुके होते हैं उसके साथ। तो ये जनवरी में पहला केस जब मैंने अखबार में पढ़ा, मेरा तभी मन करा कि इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि लव जिहाद जैसे टर्म की तरफ हम अपनी आंखें बंद कर ले और ऐसा प्रिटेंड करें कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना जरूरी क्यों लगा, क्योंकि आज तीसरी बार है जब मैं अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और लोकल ही मेरे घर से 25-30 किलोमीटर दूर की खबर है ये, जब फिर से आज अखबार में खबर आई है कि एक लड़की जिसके साथ ऐसे ही एक लड़का 3-4 सालों तक कुकर्म करता रहा, और उस पापा की परी को ये पता ही नहीं था कि वो दूसरे धर्म विशेष का लड़का है, उसने अपनी सच्चाई छुपाई हुई थी। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो आपको बिना किसी भारी आडंबर के या नाम बदल के या छद्म रूप से आने की जरूरत नहीं है, आप साफ तरीके से आइए। और ऐसे ही भोली भाली लड़कियों को फंसाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आग्रह करूंगा आजकल की युवा पीढ़ी से, चाहे लड़के हो या लड़की, आपको जो करना है करिए, पर आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करिए। अपना डिसीजन खुद लें, लेकिन सोच समझ के लें आप किसके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो बाहर लोग बताते ही नहीं कि कल को हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी कहीं, या कोई लोग रिश्ते नहीं देंगे। बहुत लोग डर जाते हैं, फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके जिनकी खबरें बाहर अखबार में आ जाती हैं जो हमें पता चलती हैं। तो लव जिहाद कोई ऐसा जादुई शब्द नहीं है जो बाहर से आ गया कहीं से, ये हो रहा है, ये होता है। और ये आपको तभी पता चलेंगी ये खबरें जितना आप इंटरनेट वाली खबरों से कम देखेंगे और लोकल न्यूज ज्यादा पढ़ेंगे। अपने न्यूज़पेपर पढ़िए और अपने आसपास के 50, 60, 100 किलोमीटर के दायरे में क्या हो रहा है उन न्यूजों को पढ़ना शुरू करिए, ना कि फेसबुक पे किसी पर्टिकुलर विचारधारा, चाहे वो कोई सी भी विचारधारा हो, और उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। तो ये बहुत जरूरी था बोलना, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, ये है, और ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं पास्ट में भी रौंदा गया है हमारी धरती को, और आक्रांताओं द्वारा, और ये अभी भी चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो आपको स्वयं निर्णय लेना है, यही बस मैं बोलना चाहता हूँ। और मुझे ये वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, मेरे को मिली बहन पूनम शेरोन से, और मैं उनके वीडियो देखता था, और मैं उनको शेरनी ही नहीं कहूंगा, मैं उन्हें एक ऐसी लड़की कहूंगा जो सोचती है, समझती है, चीजों को पढ़ती है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचती है, ना कि बस जिस चीज की हवा चल रही है उस ओर आप चले गए। क्योंकि आजकल लिबरल इंटेलेक्चुअल ये बनना बहुत ही मॉरली हाई ग्राउंड लगता है, मॉरली बहुत अच्छा लगता है, तो आपने इसलिए आप किसी एक विचारधारा को आप सपोर्ट करने लग गए कि अरे सेक्युलर लिबरल। अगर सच में दुनिया सेक्युलर और लिबरल होती, सच में वेस्टर्न, जिनको आप अमेरिका को देख के कल्चर, अमेरिका का कल्चर देख के आप वेस्टर्न उसको कि लिबरल है, इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही सेक्युलर है, तो वर्ल्ड बहुत ही एक खूबसूरत जगह होती। ऐसा नहीं है, सेक्युलर जितना सेक्युलर भारत देश रहा है उतना सेक्युलर कोई नहीं रहा। हमारी माताओं बहनों के बलात्कार हुए हैं, हमारी धरती को खून से रंगा गया है, पास्ट में भी और अभी भी किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है। तो
तो ये समझिए, किसी स्वप्न में मत रहिए कि आप कोई सेक्युलर वर्ल्ड स्थापित कर देंगे फेसबुक पे ये पोस्ट शेयर करने से। अपनी आंखें खोलिए, चीजों को पढ़िए, रिसर्च करिए और तब अपना ओपिनियन बनाइए। धन्यवाद।